हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एन टी ए यू जी सी पेपर ओ वन अक्टूबर 2021 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज है उसके मॉक टेस्ट 22 के बारे में तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आईसीटी से रिलेटेड 25 फाइव एम जहाँ पर आज के इस वीडियो में हमने क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं किया है तो हम जल्दी से कोशिश करेंगे कि ट्वेंटी फाइव को इस वीडियो में कवर किया जाए जहाँ पर आप सभी वीडियो का फॉर्मेट जानती हैं आपके पास हर एक क्वेश्चन का आंसर करने के लिए 10 सेकंड का टाइम होगा आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके करेक्ट आंसर बताना है और ऑप्शंस आपको खुद रीड करने हैं तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का विच टाइप ऑफ मेमोरी इज मेनली यूज टू स्टोर प्रोग्राम्स एंड डाटा विच डू नॉट चेंज एंड आर फ्रिक्वेंटली यूज यानी कि प्रोग्राम और डाटा को स्टोर करने के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार की मेमरी का उपयोग किया जाता है जो बदलता नहीं है और अक्सर उपयोग किया जाता है तो फ्रेंड्स ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं इनमें से वो टाइप ऑफ मेमोरी है ऑप्शन ए रीड ओनली मेमोरी इन शॉर्ट रोम इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बताना है आर जे फोर्टी फाइव इज अ डैश जैक यूज बाय डिवाइसेस टू फिजिकली कनेक्ट टू इथरनेट बेस्ड लोकल एरिया नेटवर्क्स एंड शॉर्ट लेंस यानी कि आर जे फोर्टी फाइव एक डैश जैक है जिसका उपयोग उपकरणों द्वारा इथरनेट आधारित स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क से भौतिक रूप से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है आर जे फोर्टी फाइव क्या है इनमें से ऑप्शन सी एट पिन या फिर एट पोजिशन प्लग है या फिर आप इसे जैक कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको बताना है कोर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज मेड अप ऑफ डैश यानी कि ऑप्टिकल फाइबर का कोर डैश से बना होता है ये बना होता है ऑप्शन ए सिलिका ग्लास और प्लास्टिक से क्वेश्चन नंबर फोर्थ है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इमर्ज ड्यूरिंग डैश जनरेशन यानी कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम डैश पीढ़ी के दौरान उभरे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इमर्ज हुए किस दौरान यानी कि किस जनरेशन के दौरान इनमें से ऑप्शन डी थर्ड जनरेशन के दौरान नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आपको बताना है ऑफ द फॉलोइंग इज ए और आर डिजायरेबल क्वालिटी या फिर क्वालिटीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम नंबर वन है रोबस्टनेस यानी कि मजबूती और सेकंड है कन्वीनियंस यानी कि सुविधा कोड आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें दस सेकेंड के अंदर करेक्ट कोड बता सकते हैं इनमें से करेक्ट कोड है कोड बी कोड बी के अकॉर्डिंग बोथ फर्स्ट एंड सेकंड यानी कि फर्स्ट पर है मजबूती और सेकंड पर है सुविधा ये दोनों डिजायरेबल आकर्षक क्वालिटीज हैं किसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द रीजन टू वर्ड यूजिंग द ई मेल यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ई मेल का उपयोग करने का कारण है नंबर वन स्टेटमेंट है इट इज मोर सिक्योर एंड इनएक्सपेंसिव कंपेयर्ड टू अदर मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि यह संचार के अन्य साधनों की तुलना में अधिक सुरक्षित और सस्ता है या फिर सेकंड स्टेटमेंट है इट इज़ इजी टू अचीव फॉर फ्यूचर रिकॉल मोस्ट ऑफ द ईमेल सर्विसेज प्रोवाइड सर्च फैसिलिटी थ्रू ई यानी कि भविष्य के, के स्मरण के लिए संग्रह करना आसान है अधिकांश ईमेल सेवाएं ईमेल के माध्यम से खोज की सुविधा प्रदान करती हैं फ्रेंड्स कोड आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं इनमें से करेक्ट कोड है कोड सी कोड़ सी के अकॉर्डिंग बहुत ही दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ईमेल आर्चिविंग क्या होता है ये प्रोसेस होता है रिमूव करने का हटाने का ईमेल्स को कहाँ से इनबॉक्स से ताकि उन ईमेल्स को हम अलग से यानी कि सेपरेट स्टोर कर सकें और बाद में उन ईमेल्स तक हम इजीली एक्सेस कर सकें जिन ईमेल्स को हम आर्चीव करते हैं वो डिलीट नहीं होती हैं उन ईमेल्स तक हम किसी भी टाइम एक्सेस कर सकते हैं यानी कि उन ईमेल्स तक हम किसी भी टाइम पर पहुंच सकते हैं और जिन मेल्स को हम डिलीट कर देते हैं वो रिमूव हो जाती हैं हट जाती हैं ट्रैश से कितने दिनों के बाद तीस दिनों के बाद देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवंथ में आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज और आर कोऑर्डिनेटेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा समन्वित है नंबर वन नेटवर्किंग नंबर सेकेंड मेमोरी मैनेजमेंट यानी कि समृद्धि प्रबंधन कोड्स आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट कोड है कोड सी कोड सी के अकॉर्डिंग बोथ यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है जहाँ पर नेटवर्किंग और मेमोरी मैनेजमेंट आर कोऑर्डिनेटेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम इसके बाद क्वेश्चन नंबर एट है परम सुपर कंप्यूटर्स आर दी रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम्स ऑफ विच जनरेशन यानी कि परम सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी के प्रतिनिधि सिस्टम है ये है ऑप्शन डी फिफ्थ जनरेशन क्वेश्चन नंबर नाइन में आपको मार्क करना है करेक्ट कोड जहाँ पर नंबर वन है इंक जेट उसके सामने गिवन है लाइन प्रिंटर और नंबर सेकंड है लेज़र जिसके सामने गिवन है लाइन प्रिंटर फ्रेंड्स कोड आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट कोड है कोड डी कोड डी के अकॉर्डिंग नन यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं क्योंकि इंक जेट और लेजर ये दोनों लाइन प्रिंटर नहीं हैं लाइन प्रिंटर वो होते हैं जो प्रिंट करते हैं एक लाइन एक ही टाइम पर तो ये दोनों लाइन प्रिंटर नहीं हैं लाइन प्रिंटर्स के टाइप है ड्रम प्रिंटर्स बैंड प्रिंटर्स और चेन प्रिंटर्स ये लाइन प्रिंटर्स के एग्जाम्पल हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर टेन में आपको बताना है इन ई मेल आई एम ए पी स्टैंड फॉर ईमेल में आई एम ए पी फॉर ऑप्शन डी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल क्वेश्चन नंबर इलेवन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू मेजर द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर यानी कि निम्न में से किसका उपयोग कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को मापने के लिए नहीं किया जाता है इनमें से वो है ऑप्शन बी एक्वा सेकेंड्स इसके अलावा ऑप्शन ए पिको सेकेंड्स ऑप्शन सी नैनो सेकेंड्स और ऑप्शन डी माइक्रो सैकेंड्स इन तीनों का यूज़ किया जाता है मेजर करने के लिए मापने के लिए प्रोसेसिंग स्पीड माइक्रो कंप्यूटर की क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ मॉडर्न एग्जांपल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन शॉर्ट आईसीटी यानी कि निम्नलिखित में से कौन सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का आधुनिक उदाहरण है इनमें से वो एग्जाम्पल है ऑप्शन डी कॉल सेंटर जो कि मॉडर्न एग्जाम्पल है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन नंबर थर्टीन में आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर यानी कि निम्न में से कौन कंप्यूटर की विशेषता नहीं है इनमें से वो है ऑप्शन बी आई इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है सिस्टम बूट प्रोग्राम इज स्टोर्ड इन डैश यानी कि सिस्टम बूट प्रोग्राम को डैश में स्टोर किया जाता है इसे स्टोर किया जाता है ऑप्शन बी रीड ओनली मेमोरी में इन शॉर्ट रोम में इसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन में आपको बताना है ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग यानी कि वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल या फिर आप इसे विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल भी कह सकते हैं जहाँ पर नंबर वन स्टेटमेंट है इट कैन बी एन इनपुट डिवाइस यानी कि यह एक इनपुट डिवाइस हो सकता है सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इट इज एन आउटपुट डिवाइस यानी कि यह एक आउटपुट डिवाइस है फ्रेंड्स कोड आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं इनमें से करेक्ट कोड है कोड सी कोड सी के अकॉर्डिंग बोथ यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है किसके रिगार्डिंग वीडीटी के रिगार्डिंग जहाँ पर ये इनपुट डिवाइस भी हो सकता है और ये एक आउटपुट डिवाइस भी है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन में आपको बताना है स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ऑप्टिकल डिस्क इज इक्वल टू डैश स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ऑप्टिकल डिस्क इज इक्वल टू ऑप्शन सी नंबर ऑफ सेक्टर्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बाइट पर सेक्टर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन हु इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ मार्कअप लैंग्वेजेस यानी कि मार्कअप भाषाओं का जनक किसे माना जाता है इनमें से वो है ऑप्शन बी चार्ल्स गॉडफाब को जनक माना जाता है फादर माना जाता है मार्कअप लैंग्वेज का क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज जहाँ पर नंबर वन है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ एच और सेकंड स्टेटमेंट है एक्सएमएल कैन मेक डाटा मोर यूजफुल फ्रेंड्स कोड आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं तो फ्रेंड्स इनमें से करेक्ट कोड है कोड सी कोड सी के अकॉर्डिंग बोथ यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है किसके रिगार्डिंग एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज के रिगार्डिंग जहाँ पर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज नंबर वन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है किसका रिप्लेसमेंट एच का ये स्टेटमेंट करेक्ट है और साथ ही साथ सेकेंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक्स बनाता है डेटा को और ज्यादा यूजफुल क्वेश्चन नंबर नाइनटीन में आपको बताना है ब्लॉगर इज अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय डैश ब्लॉगर सर्विस प्रोवाइड की जाती है इनमें से ऑप्शन सी गूगल द्वारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है यूनिक्स यूनिक्स हैज इन डैश डैश यानी कि को में लिखा गया है इसको लिखा गया है ऑप्शन सी सी लैंग्वेज में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन है पर्सनल कंप्यूटर्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन विच जनरेशन पर्सनल कंप्यूटर किस पीढ़ी में पेश किए गए थे वो जनरेशन है ऑप्शन डी फोर्थ जनरेशन में पर्सनल कंप्यूटर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू में आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज और आर करेक्ट नंबर वन है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के सामने गिवन है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर नंबर सेकंड वर्ल्ड वाइड वेब इन शॉर्ट डब्ल्यू के सामने क्या गिवन है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर और नंबर थर्ड है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसके सामने भी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर गिवन है फ्रेंड्स कोड आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं इनमें से करेक्ट कोड है कोड ए कोड ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी कि ये तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है जहाँ पर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में देन सेकंड स्टेटमेंट में वर्ल्ड वाइड वेब फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर और नंबर थर्ड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया गया था फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में तो ये तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री में आपको बताना है विच इनपुट डिवाइस इज यूज टू इवेलुएट ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है जो उसका मूल्यांकन करने के लिए इनमें से किस इनपुट डिवाइस का यूज किया जाता है इनमें से यूज किया जाता है ऑप्शन बी ऑप्टिकल मार्क रिक्निशन का इन शॉर्ट ओ का इसके बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर है इनमें से ऑप्शन बी मदरबोर्ड होल्ड करता है रोम सीपीयू रैम और एक्सपेंशन कार्ड्स को और आज के हम अपने लास्ट क्वेश्चन से पहले आपको बता दें अगर आप इन एम की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा आपको अपने टेलीग्राम में जाना होगा और टॉप पर सर्च करना होगा चैनल का नाम कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग देन उसके बाद चैनल आपको यानी कि ग्रुप आपको शो हो जाएगा और उस ग्रुप पर आप क्लिक करके चैनल के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट पी के लिए तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव में भी आपको करेक्ट कोड मार्क करनी है जहाँ पर नंबर वन स्टेटमेंट है कैप्चा स्टैंड्स फॉर कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक क्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट सेकंड स्टेटमेंट है एनिक स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर फ्रेंड्स कोड आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं इनमें से करेक्ट कोड है कोड सी कोड सी के अकॉर्डिंग बोथ यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है जहाँ पर कैप्चा क्या है एक मेथड है जिसका यूज किया जाता है प्रोटेक्ट करने के लिए वेबसाइट्स को किसके अगेंस्ट स्पैम के अगेंस्ट वेबसाइट को प्रोटेक्ट किया जाता है कैप्चा मेथड के थ्रू कैप्चा क्या है एक तरह का टेस्ट होता है जिसके दो सिंपल पार्ट्स देखने में मिलते हैं तो आप देख सकते हैं कि कई बार तो लेटर्स का सीक्वेंस होता है और कई बार नंबर्स का सीक्वेंस होता है जो किसी इमेज के थ्रू गिवन होते हैं या फिर किसी टेक्स्ट बॉक्स में गिवन होते हैं जो आपको करेक्ट टाइप करने होते हैं तो कैप्चा का फुल फॉर्म क्या है ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट इसके अलावा सेकेंड स्टेटमेंट में था एनिक जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर जो कि फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर था कौन सा एनिक तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने 25 फाइव से रिलेटेड क्वेश्चन को कवर किया आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को करेक्ट मार्क किया यानी कि ट्वेंटी फाइव में से कितने क्वेश्चन को करेक्ट मार्क किया नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो